उमेश पाल की हत्या के बाद से ही यह सवाल पूछा जा रहा था कि जब अतीक और अशरफ जेल में थे तो उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग किसने की। उस प्लानिंग के पीछे थी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता ने ही उमेश पाल की हत्या के लिए शूटर्स को पैसे दिए। उमेश पाल की हत्या के बाद जब असद का नाम आया तो उसे बचाने की पूरी प्लानिंग भी शाइस्ता ने ही बनाई। चौबीस फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या हुई। उमेश पाल की हत्या के बाद एक नाम सामने आया जो अब तक अतीक के आवरण में छिपा हुआ था। वो नाम है शाइस्ता परवीन, पहचान अतीक अहमद की पत्नी। उमेश पाल की हत्या के बाद कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले। इन्हीं वीडियो के आधार पर ये सवाल शुरू हुआ कि अगर अतीक और अशरफ जेल में है तो क्या उमेश पाल की हत्या की मास्टरमाइंड शाइस्ता है। जब जांच आगे बढ़ी तो इस सवाल का जवाब मिलने लगा और पता चला कि उमेश पाल की हत्या के लिए शूटर्स को पैसा शाइस्ता परवीन ने ही दिया था। पुलिस उस तक पहुंचती तब तक उमेश पाल की हत्या करते हुए असद का सीसीटीवी वायरल हो गया। इसके बाद शाइस्ता परवीन अंडरग्राउंड हो गई और असद को बचाने का प्लान बनाने लगी। सूत्रों के मुताबिक असद का नाम सामने आने के बाद शाइस्ता परवीन ने पहले असद को बचाने के लिए नेपाल भेजने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ की सख्ती की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद शाइस्ता ने शूटर गुलाम को असद के साथ ही रहने को कहा। इसी के बीच शाइस्ता ने असद के लिए फंडिंग का इंतजाम भी शुरू कर दिया। खबर है कि शाइस्ता किसी तरह से असद को देश से निकालकर दूसरे देश तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेजों की दिक्कत के कारण ऐसा नहीं हो सका। उसके लिए टीमें लगी हुई हैं, अरेस्ट होनी चाहिए। अगर उसने गैंग का संचालन अतीक की गैर मौजूदगी में किया है और इसमें जो हत्याकांड हुआ है इसमें अगर उसका कोई भी हाथ है तो उससे पूछताछ होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को ये भी पता चला कि असद को छिपाने के लिए जब शाइस्ता ने पैसे की जरूरत बताई तो अतीक के कहने पर लखनऊ के एक बिल्डर मुस्लिम खान ने शाइस्ता के पास 80 लाख रुपए पहुंचाए। इसके बाद पुलिस ने शाइस्ता परवीन के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया और उसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया। और फिर शाइस्ता के ऊपर यूपी पुलिस ने इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी, लेकिन ना तो शाइस्ता का पता चल पाया और ना पुलिस उस तक पहुंच सकी है। ये भी कहा जा रहा है कि अपनी सियासी पहुंच के चलते शाइस्ता पुलिस की पहुंच के बाहर है। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शाइस्ता को प्रयागराज शहर पश्चिमी से उम्मीदवार भी बना दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में शाइस्ता ने पर्चा नहीं भरा था। दावा किया जा रहा था कि इस बार प्रयागराज मेयर के चुनाव में शाइस्ता का BSP का उम्मीदवार बनना तय था, लेकिन पहले उमेश पाल मर्डर, फिर शाइस्ता की फरारी से BSP ने उसका टिकट काट दिया। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शाइस्ता का साथ कौन दे रहा है। क्या अतीक अहमद के गुर्गों ने उसे छिपाया, या फिर जिनके राज बेपर्दा होने का डर वो शाइस्ता का पर्दा बने हुए हैं। प्रयागराज से समर श्रीवास्तव, श्वेता सिंह और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।